हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। गुड इवनिंग पंकज जी, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे आज के इस सेशन में आप सभी लोग। और आज का जो हमारी क्लास है ऑलरेडी शेड्यूल थी, आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया था, तो जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम आज का इस सेशन को शुरू करें जल्दी से। और आज के सेशन में हमने पहले एमसीक्यू सेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम बीच में वर्ल्ड बीट टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू सेशन करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू सेशन होगा हमारा, तो जुड़ जाइए सभी लोग। एटीट्यूड मी गुड इवनिंग। मेदावाद प्रेम कुमार, हेलो। सभी को आवाज़ आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है क्या। ओके कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है हमारा। लाइव दिखा रहा है चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इस वजह से, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। आप सभी लोग को जिनका जिनका सेंटर चेंज हुआ है वो लोग भी चेक करके अपना सेंटर एक बार देख लें, एडमिट कार्ड में जो दिया गया है एडमिट कार्ड को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। जल्दी से सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए सभी लोग, और जैसे ही 10 लोग हो जाएंगे हम आज के सेशन को स्टार्ट कर देंगे। और पहले हम लोग 50 एमसीक्यू से
क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद वेल्ड विंड इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देन फिर हम लोग 50 एमसीक्यू से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन का। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड अ 10 mm थिक प्लेट बाय आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए करंट सेट करना किया जाना चाहिए 70 एम्पियर, 80 एम्पियर, 90 एम्पियर, 110 एम्पियर। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए लेट हो गया। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करिए, सेशन को शेयर करिए सभी लोग। डी बोला है लोकेश ने, पंकज ने भी डी बोला है। ओके वेरी गुड, जुनेद ने डी बोला है। करेक्ट आंसर इज 110 एम्पियर। अगर 10 mm थिक प्लेट है और उसकी हमें आर्क वेल्डिंग करनी है तो हमें 110 एम्पियर करेंट रखना होगा। यस, सभी लोगों का करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट। वेल्ड मेटल की प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? लेक लेंथ, फ्यूजन जोन, पेनिट्रेशन, हीट अफेक्टेड जोन। सेशन को शेयर करिए जल्दी से, आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया था कि 4 बजे लाइव क्लास होगी और उसके बाद भी आप बहुत कम लोग जुड़े हैं, जल्दी से ज़्यादा लोग को जोड़िए, जल्दी से इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। यस, लोकेश ने सबसे पहले कमेंट किया है, सी बता रहे हैं, पेनिट्रेशन। जो फ्यूजन जोन, डेप्थ ऑफ फ्यूजन होता है और सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट होती है। जुनेद अख्तर ने बी कहा है, अविराम सी, पंकज सी, वेरी गुड। जुनेद जी एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका सही जवाब है सी, यानी पेनिट्रेशन बोलते हैं उसको, डेप्थ ऑफ फ्यूजन। और जो सरफेस ऑफ वेल्ड मेटल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन बोलते हैं। चलिए सभी लोगों ने सी जवाब दिया है, दर्शन ने बी और जुनेद ने बी बोला है, फ्यूजन जोन बोलते हैं। जो डेप्थ ऑफ फ्यूजन होती है उसको फ्यूजन जोन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 आज के सेशन का। पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से कम सेशन को शेयर कर लीजिए। यस, रवीश जी करेक्ट, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 बताना है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर अ डबल बेवल बट ज्वाइंट। डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोड क्या होना चाहिए? यस, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए एंगल क्या होना चाहिए? 45 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री। जल्दी से कमेंट करिए, 45 बोल रहे हैं, ए पंकज भी ए बोल रहे हैं, दर्शन ने भी डी बोला है। क्वेश्चन नंबर 70, और जल्दी से सेशन को शेयर करिए। ओके, सभी लोग ए, जिन जिन ने ए बोला है, करेक्ट आंसर है, डबल बेवल के लिए 45 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इफ टू मेंबर वेल्डेड इन द सेम प्लेन। यदि एक ही लेवल पर दो मेंबर को वेल्ड किया जाए तो ज्वाइंट का नाम क्या होता है? लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, एज ज्वाइंट। बहुत अच्छे, सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 71 का जल्दी से कमेंट करके जवाब बताइए। यस, पंकज ने सी बोला है, शारदा ने बोला है बट ज्वाइंट। ओके वेरी गुड, बट ज्वाइंट इज राइट आंसर। अच्छा, लैप ज्वाइंट में क्या होता है? दोनों प्लेन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं,
टी जॉइंट में क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। और एज जॉइंट पर क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और कॉर्नर जॉइंट में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। ये पांचों जॉइंट के लिए आपको मैंने बता दिया है। जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, तो लैप जॉइंट में पैरेलल होते हैं दोनों, टी जॉइंट में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, बट जॉइंट में आपको पता है एक ही प्लेन में होते हैं, और एज जॉइंट में क्या होता है हमारा, पैरेलल होते हैं, और कॉर्नर जॉइंट में हमारे परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जो सिंबल दिया गया इसका नाम क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। मैंने वेल्डिंग सिंबल का एक इस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने शेयर किया था नोट्स, वेल्डिंग सिंबल उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया था। जो जिन जिन ने अपना रहे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है उन्हें डेफिनेटली ये आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर, और सेशन को शेयर करिए, और सेशन को कोशिश करिए इंड तक जुड़े रहने के लिए। सारे क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व करेंगे और आपके NCL एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यस, जुनेद ने डी बोला है, पंकज ने डी बोला है, राइट आंसर। ये क्या सिंबल है, बैकिंग रन या बैकिंग वेल्ड का ये सिंबल दिया गया है, और बैकिंग रन हम लोग क्या करते हैं, बिफोर वेल्डिंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का बताइए जल्दी से कमेंट करके, व्हाट इज द शेप ऑफ वेल्ड फिनिश सिंबल। एक सिंबल दिया गया है, वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है, उत्तल, कंटूर, अवतल, कंटूर, सरफेस चिप्ड। सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहां पे आपको शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सेवेंटी थ्री का डी बोल रहे हैं पंकज ने, ओके वेरी गुड, राइट आंसर इज डी। चंद्र कमल सोना सर जी प्रणाम। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग। ग्रूव वेल्डिंग की वर्टिकल स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है, 1G, 2G, 3G, 6G, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग। ग्रूव वेल्डिंग की वर्टिकल स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है, जल्दी से कमेंट करिए, 1G, 2G, 3G, 6G। ओके पंकज ने सी बोला है, वेरी गुड। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इससे रिलेटेड भी एक नोट्स डाला था, एक पिक डाली हुई थी जिसमें आपको अगर ग्रूव्ड है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, फ्लैट है तो क्या होना चाहिए, पाइप के लिए क्या होना चाहिए, और पाइप और प्लेट दोनों हैं तब क्या होगा, इन चारों के बारे में आपको दिया गया था वहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 3G, वर्टिकल के लिए 3G ग्रूव। क्वेश्चन नंबर 75 आज के सेशन का जल्दी से कमेंट करिए। इससे पहले जो ऑलरेडी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं उनके आगे मैंने शुरू किया है आज, और पहले 50 MCQ करेंगे, उसके बाद हम लोग वेल्ड बिट इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं इंस्पेक्शन करने के उसके बारे में देखेंगे, और फिर मैं हम लोग 50 MCQ क्लियर करके आज के सेशन को ख़त्म करेंगे। तो सभी लोग सेशन को लाइक करिए पहले जल्दी से, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और वॉइस वगैरह सब क्लियर है तो ठीक है। विच टाइप ऑफ मेटल इज यूज इन अ वेल्डिंग केबल, वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है, तो सिंपल है कॉपर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कॉपर इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना इजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस सकते आप उनको अच्छे से पढ़े रहिए, यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं सारे एग्जाम में। यस पंकज ने बोला हीलियम यानी ऑप्शन नंबर ए, बाकी लोग बहुत लोग डी बोल रहे हैं, ए CO2 बोल रहे हैं,
अरे टीग वेल्डिंग में CO2 कैसे यूज होगी लोकेश जी? यस, ए इज राइट आंसर, हीलियम आर्गन। ये दो ज़्यादा यूज होती हैं और मिक्सर भी यूज होता है, आर्गन और ऑक्सीजन का मिक्सर भी यूज होता है, पर मुख्यतः हीलियम और आर्गन ही यूज होते हैं टिग वेल्डिंग में। विच ऑफ द एसेसरीज शुड बी वॉर्न ड्यूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग? ओवरहेड वेल्डिंग करने के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। अगर आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो कौन सा आपको सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना चाहिए ओवरहेड वेल्डिंग के लिए, जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग सेशन को शेयर करिए, सबसे पहले कम से कम 20 से 30 लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। इतने लोग ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखे हैं और आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है और किसी दो कॉलेज का सेंटर भी चेंज हुआ है, तो आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने शेयर भी किया था, मैंने भी उसको टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिस डाल दिया था उन कॉलेज का, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। ब्रजेश ने बोला है बी, सरिता पाल ने ए बोला है हेलमेट। यस राइट आंसर इज हेलमेट। ब्रजेश जी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ए इज राइट आंसर, बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट असिस्ट फायर? निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है? ओके, जल्दी से कमेंट करिए। दर्शन नेताम ने डी कमेंट किया है, वेरी गुड। और जल्दी से शेयर करके कम से कम 20 अबव सब्सक्राइबर्स को हमारे साथ जोड़िए। ओके, डी इज राइट आंसर। ये तीनों तो जरूरी होता है, आपने जब फायर ट्रायंगल पढ़ा होगा तो फायर ट्रायंगल में आपको क्या चाहिए होता है? O2 चाहिए रहता है, फ्यूल चाहिए रहता है और इग्निशन चाहिए रहता है, यानी आग, ठीक है, आग भी बोल सकते हैं इसको। ये तीन होने से आपको फायर हो सकती है, बस नाइट्रोजन जो है वो फायर में मदद नहीं करता है। चलिए वेरी गुड। विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज इन एल्यूमिनियम वेल्डिंग? एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की पोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है या ध्रुवता का इस्तेमाल किया जाता है? और आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो सबसे पहले आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को चेक करिएगा, क्योंकि इंग्लिश को मान्यता ज़्यादा दी जाती है, इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर सेट, एसिड ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी। ओके, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 79 का डी बता रहे हैं, स्टेट पोलैरिटी बता रहे हैं कृष्णा जी। बहुत लोग बी वाला बता रहे हैं, एसी ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पे पोलैरिटी के बारे में पूछा गया, तो एसी में पोलैरिटी होती नहीं है, तो एसी होगा नहीं। नॉर्मली एसी के द्वारा एल्युमिनियम की वेल्डिंग करना बहुत सही रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि उसके हाफ साइकिल में उसका ऑक्साइड खत्म होता है और हाफ साइकिल में वेल्डिंग के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया पोलैरिटी और वो एसी में होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। अब आ गई रेक्टिफायर सेट भी नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन है, ये पोलैरिटी तो है नहीं। अब या तो रिवर्स पोलैरिटी होगा या तो स्ट्रेट पोलैरिटी होगा, तो इन दोनों में से जल्दी से कमेंट करिए, सी होगा या डी होगा। सभी लोग लाइक कर दिए जी, 22 लोग जुड़े हैं, 14 ही लाइक हैं, जल्दी लाइक करिए सभी लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन नया लग रहा है तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन आ जाता जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसके ऑप्शन को देख के आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि एसी ट्रांसफार्मर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पोलैरिटी की बात की गई है,
दूसरा रेक्टिफायर सेट नहीं होगा क्योंकि वो मशीन है। अब या तो रिवर्स होगा या स्ट्रेट होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स पोलैरिटी जो होती है एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन जिन ने सी कहा है वेरी गुड, और जिन जिन ने डी बोला है कोई बात नहीं, आप सी याद कर लीजिए और आपके एग्जाम में उसको सॉल्व करिएगा। व्हाट इज पोलैरिटी, बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आज मैंने सोचा था लगभग 50 लोग हमारे सेशन में जुड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे वेल्डर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत लोग हैं, अगर वो सब भी जुड़ जाते तो 50 लोग हो जाते। चलिए तो सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग। व्हाट इज पोलैरिटी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 80 का जवाब दीजिए, पोलैरिटी क्या है। पंकज ने भी कहा है करंट की दिशा, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से कमेंट करिए। गोविंद वर्मा बी, जीतू बिन बी, सभी लोग का स्वागत, शारदा बी, पंकज बी, यस राइट आंसर इज करंट की दिशा। पोलैरिटी से हमें पता चलता है कि करंट की दिशा क्या है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल है या निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, यानी यस ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। आप निमी की बुक उठाइएगा, उसमें आप जब पोलैरिटी की डिफिनेशन देखिएगा तो उसमें सिंपल दिया है, पोलैरिटी क्या बताता है, करंट की दिशा बताता है कि धारा किस दिशा में प्रवाह हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू लॉन्ग आर्क इन वेल्डिंग शोन इन ड्रॉइंग। अगर लॉन्ग आर्क लेंथ है तो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा वेल्डिंग पर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 81 कमेंट करके बताइए। कम पेनिट्रेशन, लॉन्ग आर्क लेंथ, कम पेनिट्रेशन, कम वेल डिपॉजिट। चलिए सभी लोग सी बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कम पेनिट्रेशन आएगा लॉन्ग आर्क लेंथ में, सिंपल है। तो जो लोग सी बोल रहे हैं उन सभी लोगों का करेक्ट है सी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 आज के सेशन का, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स, एसी ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। देखिए ऑप्शन फिर से वही है, बेयर वायर के लिए देवी सिंह ने ए बोला है, वॉइस वगैरह सब क्लियर है तो यस बोल दीजिए। और सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी के सभी लोग कमेंट करिए। ए ए ए बी बोल रहे हैं, 82 का बी शारदा ने बोला है, बट बेयर वायर के लिए स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट पोलैरिटी, बेयर वायर इलेक्ट्रोड के लिए स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। डी नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 83, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल ज्वाइंट शोइंग द सिंबल ए। ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है, जो ए है वो क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बैकिंग वेल्ड है, स्क्वायर बट वेल्ड है, सिंगल जे बट वेल्ड है, या सिंगल बी बट वेल्ड है। ओके ब्रजेश जी, वेरी गुड। पंकज ने डी कहा, एकल वी बट जॉइंट, वेरी गुड। यस डी, गोविंद वर्मा ने बी बोला है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर
डी होगा सिंगल वी बट वेल्ड, ठीक है, सिंगल वी बट वेल्ड होगा। और इसका मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना ऑनलाइन क्लासेस प्रिया, और ऊपर ही हमारा ग्रुप रहेगा, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारा डिस्कशन कल हमने किया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने उस पर डाले हुए थे, आप लोग भी उस पर बहुत सारे क्वेश्चन डाल रहे थे, तो आपस में भी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो सभी लोग मेरे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आज के सेशन का जल्दी से कमेंट करिए, ये जो डी दिया हुआ है इसका क्या मतलब है जल्दी से कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर सिंबल शोन इन डी। डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है, अवतल, उत्तल वी, फ्लैश, सिंगल वी, फ्लैश वी वेल बैकिंग रन के साथ, बी व्हाट वेल्ड विद बैकिंग रन। 84 का जल्दी से आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिए 84 का, ऐसे समझ नहीं आता आप लोग प्रीवियस वाले का दे रहे हैं या जो चल रहा है उसका दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का डी डी डी, ओके वेरी गुड, सभी ने डी बोला है और राइट आंसर इज डी, वेरी गुड। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, ये जो हमारा सिंगल वी है, यस वी है, और इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि ये बैकिंग रन का सिंबल होता है, तो 84 का डी इज राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए 85 का, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ एमएस पाइप, दो प्रकार के एमएस पाइप होते हैं, इनमें से कौन से दो प्रकार के एमएस पाइप हैं जल्दी से कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में जोड़िए। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। यस क्वेश्चन नंबर 85 जल्दी से बताइए क्या होगा, और आप सभी लोग कमेंट में 85 लिख के अपना आंसर बताइए ताकि समझ में आए कि आप क्या कहना, क्या आप जवाब दे रहे हैं। और सभी लोग कोशिश करिए जवाब देने के लिए। 85 का डी, सीमलेस पाइप रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप, ओके सीमलेस पाइप रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप, डी डी 85 का डी डी, ओके वेरी गुड। जुनेद अख्तर आपने बहुत गलत जवाब दिए हैं आज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दो प्रकार के एमएस पाइप होते हैं, एक सीमलेस पाइप होता है और दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप होता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप का नाम से ही पता है कि उसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग द्वारा वेल्ड करके पाइप बनाया जाते हैं, ठीक है, और एक सीमलेस पाइप होता है जो आपका कास्टिंग से बनता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आज के सेशन का, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस शॉर्ट आर्क लेंथ, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई उत्पादन करते हैं, हैवी कोटेड, लाइट कोटेड, मध्यम कोटेड, सुपर हैवी कोटेड। जल्दी से कमेंट करिए 87 का क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में, जल्दी कमेंट करिए आप सभी लोग और सेशन को लाइक और शेयर करिए जल्दी से। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 87 का बी बोल रहे हैं सभी लोग, लाइट कोटेड, 87 का बी लाइट कोटेड, ठीक है। ए बोल रहे हैं अविराम जी, ए बोल रहे हैं, बाकी लोग बी और डी में कंफ्यूज हैं। ए 87 विपिन सिंह 87 का ए बोल रहे हैं, वेरी गुड, राइट आंसर इज 87 का ए होगा, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड होगा। आप सभी लोग कोटिंग फैक्टर भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से, लाइट कोटेड का कितना होता है, लाइट कोटेड का कोटिंग फैक्टर कितना होगा। उसी दिन मैंने आज को आपकी प्रीवियस लाइव क्लास जो हुई थी सैटरडे को, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कोटिंग फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो लाइट कोटेड का कोटिंग फैक्टर जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद
ठीक है लाइट, ठीक है अभी तो पढ़ाते समय करना मुश्किल है, ठीक है कर दिया जाएगा आपको देवशरण जी, ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप नहीं अगर आप अभी जाते हैं तो प्रीवियस जो क्लास है उसमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अभी आप पढ़ लीजिए उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे साथ। कोटिंग फैक्टर बताइए, 1.2 से 1.3 बता रहे हैं लाइट कोटिंग का रवीश कुमार, 1.25 से 1.3, यस करेक्ट आंसर। संजय ठाकुर हैवी के लिए 1.6 से 2.2, ओके वेरी गुड। तो इसमें क्या है लाइट के लिए क्या है 1.25 से 1.3, और इसका हमारा कितना है मीडियम का 1.4 से 1.5 है, हैवी का क्या है 1.6 से 2.2, और सुपर हैवी का क्या है 2.2 से ऊपर, ठीक है। कोटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला भी होता है, कोटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैंने आपको प्रीवियस लाइव क्लास में ऑलरेडी बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आर्क लाइन प्रोड्यूस डीप पेनिट्रेशन वेल्ड, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड देती है, ठीक है लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम टू लॉन्ग आर्क लेंथ, यानी कौन सी आर्क लेंथ रखने से हमें पेनिट्रेशन, जुनैद अख्तर जी सुपर हैवी जो होता है वो 2.0 से मोर नहीं होता, 2.2 से मोर होता है, ठीक है। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा या प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को ओवर होने के बाद वो क्लास जरूर देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। 88 का बी, बी बोल रहे हैं पंकज मिश्रा जी, शारदा जी ने बी बोला है, वेरी गुड। राइट आंसर इज शॉर्ट आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा। अच्छा शॉर्ट आर्क लेंथ रखने से जो एक प्रॉब्लम आती है वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोड चिपकता बहुत जल्दी है, ठीक है तो ये प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन फायदा क्या होता है कि अगर हमें पेनिट्रेशन अच्छी चाहिए, कोई पार्ट है जिसमें हमें पेनिट्रेशन चाहिए, तो हम शॉर्ट आर्क लेंथ के द्वारा पेनिट्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। और ओवरहेड वेल्डिंग में भी शॉर्ट आर्क लेंथ का प्रयोग होता है ज़्यादातर। रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य है बहुत ही सिंपल, रेक्टिफायर क्या करता है एसी टू एसी, डीसी टू डीसी, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, क्या करता है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 89 का जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या जवाब हो सकता है। और जो लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। 89 का सी, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस करेक्ट फ्यूजन, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ, टू लॉन्ग आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 90 का जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कोशिश करिए सेशन को एंड तक जुड़े रहने के लिए, बीच में छोड़ के मत जाइए। 90 का बी, अभी तो हमने पढ़ा है कि जो शॉर्ट आर्क लेंथ होती है वो पेनिट्रेशन अच्छी देती है, करेक्ट फ्यूजन हमें अगर चाहिए तो उसके लिए क्या होगा तो सी होगा, नॉर्मल आर्क लेंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, आलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, नॉन फेरस मेटल के लिए कौन सी पोलैरिटी यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। 91 क्वेश्चन नंबर 91, नाइन्टी वन का बी, ओके विपिन सिंह आपका सही है, 91 का बी इज राइट आंसर। जिन जिन ने बी जवाब दिया है उनका सही है, ठीक है बी इज राइट आंसर, आपको नॉन फेरस के लिए रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 92, विच इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई,
यदि बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही हो तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर सेट, ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट। यस 92 का पंकज ने बोला है डी, विपिन सिंह डी, गोविंद वर्मा ने सी बोला है मोटर। अरे मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो कैसे ही मोटर जनरेटर होगा। यस सभी लोग ने डी बोला है, राइट आंसर इज डी, 92 का डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड का एंगल क्या होगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या होगा। 93 का सी बोल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। वेरी गुड, नाइन्टी थ्री का सी सही जवाब है। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनने सी बोला है, सुमित ने सी बोला है, विपिन ने सी बोला है, सविता ने सी बोला है, आप लोगों का करेक्ट है, सोमेन ने करेक्ट बोला है, बाकी लोग इसको चेक कर लीजिएगा। यस क्वेश्चन नंबर 94, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है, लॉन्ग, शॉर्ट, नॉर्मल, टू लॉन्ग आर्क लेंथ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 94 का जल्दी से कमेंट करिए। का ए ए ए बी बोल रहे हैं सोमेन जी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग आर्क लेंथ। यस 94 का ए करेक्ट है, जिन जिन ने ए बताया है करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 95 का ए बोल रहे हैं, देखते हैं। विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ यूज्ड इन थिन सीट मेटल, पतली सीट के लिए लॉन्ग आर्क लेंथ। 95 का ए, ओके यस, सभी लोग सी बोल रहे हैं, वेरी गुड, सॉरी ए बोल रहे हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ सही है, लॉन्ग आर्क लेंथ, क्योंकि पतली सीट पे अगर हम शॉर्ट आर्क लेंथ यूज़ करेंगे तो पेंट्रेशन होगा यानी वो कट जाएगा, इसलिए लॉन्ग आर्क लेंथ यानी थोड़ा लॉन्ग आर्क लेंथ रहने से हीट कम जाएगा तो उसको वेल्डिंग किया जा सकता है। विच टाइप पोलैरिटी यूज्ड इन सीट मेटल वेल्डिंग, सीट मेटल वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 जल्दी से कमेंट करिए। विच टाइप पोलैरिटी यूज्ड इन सीट मेटल वेल्डिंग। नाइन्टी सिक्स का सी, रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, सुरेन ने बी बोला है, बाकी ने सी बोला है, डी सी सी
96 का सी राइट आंसर। आप सभी लोग अपने अपना अपना याद रखिएगा कितना सही है और कितना गलत है, लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा। विच पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग विद हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स? हैवी और सुपर हैवी, अगर आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड हैं, तो आपकी कौन सी पोलैरिटी इस्तेमाल करेंगे? नाइन्टी सेवन का जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाइन्टी सेवन का बी बोल रहे हैं सोमेन जी, वेरी गुड। ब्रजेश ने सी बोला है, बी सी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच पोलैरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन? कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 98 का जल्दी से कमेंट करिए। नाइन्टी एट विथ पोलैरिटी यूज इन वेल्डिंग कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए 98 का ए सोमेन मंडल रेक्टिफायर सेट बोल रहे हैं आप। बिपिन सिंह डी बोल रहे हैं, स्टेट पोलैरिटी 98 है, 99 नहीं है। 98 का सी सोमेन जी, वेरी गुड। बिपिन मिश्रा सी करेक्ट है, सी इज राइट आंसर। व्हाट शुड बी द एन एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग? फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? यस सी इज करेक्ट सोमेन जी, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट स्थिति में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? 99 का बी बोल रहे हैं सभी लोग। 98 का सी बी डी, सब लोग सब सारे कमेंट कर दे रहे हैं। नाइन्टी नाइन का सी सही है, पंकज जी आपका सही है, बाकी लोग चेक कर लीजिएगा। व्हाट शुड बी एन एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन हॉरिजेंटल पोजीशन वेल्डिंग? हॉरिजेंटल में अगर आप हॉरिजेंटल पोजीशन में कर रहे हैं तो कितना एंगल होगा? फ्लैट का भी आपने देख लिया 60 70 70 80 था, और इसका आपको हॉरिजेंटल पोजीशन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 100, हंड्रेड का सी। ओके, हंड्रेड का सी। ओके, हंड्रेड का सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, 101 कैंसल है। व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग 50 mm डाया पाइप विद 3.15 mm वॉल थिकनेस? जल्दी से कमेंट करिए, नोजल साइज बताना आपको वेल्डिंग करनी है। 50 mm की डाया का पाइप है जिसकी वॉल थिकनेस कितनी है? 3.15 mm। 102 का जल्दी से कमेंट करिए। रोहित कुमार वेलकम।
यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 नंबर की नोजल यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। कल भी मैंने बहुत सारा शेयर किया है पीडीएफ, आज भी शेयर किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप रोहित जी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वॉट इज द पर्पज ऑफ रैपिंग द वेल्ड केबल अराउंड द जॉब इन वेल्डिंग? आर्क फ्लो को नियंत्रण में करना, आर्क की गति को नियंत्रित करना, आर्क की लंबाई को नियंत्रित करना, विकृति को नियंत्रित करना। 103 का ए, आर्क फ्लो को कंट्रोल करना। सिंपल, आर्क फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, जल्दी से कमेंट कीजिए। वॉट इज द पर्पज ऑफ फिक्सिंग रन ऑन रन ऑफ प्लेट इन आर्क वेल्डिंग? बहुत ही सिंपल, यस, 103 का ए इज करेक्ट आंसर। सभी लोगों ने करेक्ट दिया है। जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कि आप थोड़ी देर, एक घंटे का क्लास, जो भी क्लास चल रहा है उसमें एंड तक जुड़े रहे। यस, बहुत सिंपल, आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए रन ऑन रन ऑफ प्लेट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, फॉर विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल बाय कीपिंग द मैग्नेटिक ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रूव ज्वाइंट? ग्रूव ज्वाइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है? 105, आर्क ब्लो, डिस्टॉर्शन, अनइवन बीट, स्लैग इंक्लूजन। आवाज तेज करनी है, ठीक है, आवाज तेज कर दी है। इसका भी सही जवाब है, देखे चुंबक ए आर्क ब्लो, यहाँ पे क्या दिखा है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ब्रिज की बात की गई है। आर्क ब्लो कब होता है? जब मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस किसका किसका होता है? हमारा जॉब की जो मैग्नेटिक लाइन होती है और इलेक्ट्रोड की मैग्नेटिक लाइंस जो होती है, जब आपस में उनका टकराव होता है तभी हमारा आर्क ब्लो होता है। तो जब ये चुंबकीय पुल रख दिया जाता है तो क्या होता है, जो जॉब होता है उसके जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो कट हो जाती है, और जो हमारा इंटरफेरेंस होना चाहिए वो नहीं होता है। साउंड इशू आ रहा है। चलिए एमसीक्यू है, आप लोग बस एमसीक्यू देख के जवाब दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल। व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड इन द गिवन फिगर? करुणा जी थैंक यू वेरी मच। अभी साउंड ठीक आ रहा है तो जल्दी से यस यस बोल दीजिए। निमी का असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, ढूंढूंगा, अगर मिलेगा तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आपको निमी की साइट से मिल जाएगा, निमी के जो ऑफिशियल साइट है वहां पे असाइनमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का ए राइट आंसर है। देखिए इसी में ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, और ये मैग्नेटिक लाइंस जॉब की होती हैं, और इन्हीं में जब इंटरफेरेंस होता है तो हमारा आर्क ब्लो का दोष आता है। विच अमंग द ज्वाइंट आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप? कौन सा ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आता है?
108 का जल्दी से कमेंट करिए। दिनेश ने डी बोला है, डी डी, यस। 170 108 का क्या होगा? डी इज राइट आंसर। व्हाट हैपन इफ द रूट गैप इज लेसर देन 1/6 ऑफ द प्लेट थिकनेस। यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? एक ऑप्शन ही कट गया, चलिए बताइए। वन जीरो नाइन का जो है वो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो डी है वो कट गया है, ठीक है। चलिए तो 110 बताइए, ऑप्शन नंबर 110। विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? वन टेन का बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट आर्क लेंथ शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द स्पैटर। स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? लॉन्ग आर्क लेंथ 111 का सी, डी, ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रोड लाल गर्म हो जाता है, जॉब के साथ इलेक्ट्रोड फ्रीज हो जाएगा, अधिक स्प्रेटर और खराब पेनिट्रेशन, या प्लेट के किनारों को पिघल कर निकलेगा। 112 का जल्दी से कमेंट करिए। यस, सी इज राइट आंसर। हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ द वेल्ड। आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं? क्रैक, क्रेटर, पिन होल, ब्लो होल। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 113 है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्रेटर इज राइट आंसर। ये देखिए आ गया आपका। व्हाट विल द डिफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड शोन इन फिगर। नीचे दिए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन नंबर 114 का जल्दी से कमेंट करिए। करुणा जी आप क्या कमेंट कर रही हैं सर? पेरेंट। चले 114 का बताइए। यस,
यस 114 का डी इज राइट आंसर, आर्क ब्लो हो जाएगा। विच डिफेक्ट विल अकर व्हेन द इक्विपमेंट इज चेंज टू एसी टू डीसी सप्लाई? आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने में कौन सा दोष आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 115। अगर पावर सोर्स को बदल दिया जाए, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो क्या दोष आ सकता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि नहीं पता नहीं। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनसीएल में देखने को मिलेंगे, बस इतना कह सकते हैं। 115 का ए राइट आंसर। देखिए आर्क ब्लो से कितना क्वेश्चन बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। व्हाट इज द करेंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर 3.15 mm डाया MS इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग? चाप वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है? यस डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एंड डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड? बहुत ही सिंपल, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या होता है? रेड एंड, डेड एंड, स्टब एंड, वेस्ट एंड। 117 क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन रोज नहीं होता है, लेकिन आपका अभी कल और परसों जरूर होगा। कल भी आप 4 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 26 दिसंबर को भी आप 4 बजे जुड़ सकते हैं मेरी वेल्डिंग की लाइव क्लास में। 117 का सी राइट आंसर। चलिए 118। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ माइल्ड स्टील पाइप्स आर देयर? माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं? एक सौ अट्ठारह का जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए यस राइट आंसर इज टू ग्रुप्स। हाउ अ पाइप इज स्पेसिफाइड? एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? केवल डायमीटर द्वारा, केवल लंबाई द्वारा, केवल बाहरी डायमीटर द्वारा? एक सौ उन्नीस का जल्दी से बताइए। डी यस सही आंसर डी। तो आपके 50 MCQ क्लियर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ। जल्दी से स्कोर आप अपना शेयर करिए और उसके बाद बताइए आप और MCQ करना चाहते हैं या वेल्ड बीट टेस्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो हमारे होते हैं उसके बारे में। और MCQ हम कवर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग स्कोर बताइए, 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। PDF डाल देंगे, ठीक है। रोहित जी कह रहे हैं MCQ करवाइए, गोविंद जी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पहले देख लेते हैं, आज डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। पहले
पंकज ने 47, रोहित का 42। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग तो जो हमारा वेल्ड टेस्टिंग ऑफ वेल्ड है, वेल्ड का परीक्षण, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि जो हमारी ज़्यादा नहीं है, टेस्टिंग में ज़्यादा नहीं है, अगर एमसीक्यू करना चाह रहे हैं तो एमसीक्यू कर सकते हैं। पीडीएफ डाल देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। सोमेन का 49, वेरी गुड। मेरा पेपर नहीं है। विपिन सिंह जी, पहले तो जल्दी से सेशन को शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। मेरा पेपर नहीं है, निश्चिंत रहिए। पहले एमसीक्यू, उसके बाद चले और एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वेल्डिंग इंस्पेक्शन से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज के सेशन में खत्म करके कल फिर मिलेंगे। ठीक है, 4 बजे आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहिए। अरे पेपर अच्छे से दीजिएगा, मेरिट की चिंता आप क्यों कर रहे हैं, पेपर अच्छा देके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में निरीक्षण का क्या उद्देश्य है। दोष और गुणवत्ता, वेल्ड निर्धारित करना, सामग्री का निर्धारित, वेंडर धातु का निर्धारण करना, इलेक्ट्रोड फिजिबिलिटी निर्धारित करना। चलिए ए बोल रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आप लोग सेशन को छोड़ के मत जाइए, और भी एमसीक्यू क्लियर कर लेंगे जो कि इंस्पेक्शन से रिलेटेड ही एमसीक्यू, आप लोग पढ़ के रखे होंगे इंस्पेक्शन ऑलरेडी, बस थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, तो कल मैं उसको समझा दूंगा, आज हम एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से कमेंट करिए। हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी, एनडीटी के दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए दूसरे का बी लोकेश जी ने बोला है, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। रविंदर देवास, टेलीग्राम तो नहीं है आईडी, टेलीग्राम ले आप, टेलीग्राम आपने मोबाइल में रख लीजिए, टेलीग्राम जो होता है बहुत यूज़फुल होता है, बहुत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं पीडीएफ शेयर करने के लिए, तो आप टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। थर्ड का डी सी, अरे फाइनल जॉब है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसका सही जवाब है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं करते हैं फाइनल जॉब पे। What are the common welding tests performed in workshop? कार्यशाला में आम welding परीक्षण क्या हैं? Workshop में तो जो हमारे
जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है वर्कशॉप और दूसरा लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। तो बोल रहा है वर्कशॉप में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो नाम से ही पता है वर्कशॉप में, यानी जहाँ पे हम लोग बेंड करें कुछ, ठीक है, कुछ तोड़े फोड़े, वहाँ के लिए हम लोग वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, हैमर पिन ये सब इस्तेमाल करेंगे। तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? कौन से कॉमन वाले पूछ रहा है? कॉमन वाले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से कमेंट बताइए, और कौन कौन से होते हैं वो भी बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, टेलीग्राम का लिंक जो है विक्की जी, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आप मिलेगा, और अभी इस वीडियो में भी आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पांचवे का डी बोल रहे हैं, 5 टाइप के, देखिए बोल रहा है कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को सही से समझिए और फिर देखिए कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने होते हैं जल्दी से बताइए। पांचवे का बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। 87 का बी, रविंद्र जी 87 कहाँ गया, अभी तो पांचवा चल रहा है। और कौन कौन से होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। बी इसका सही है, 3 तरह के कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। अगर मैं आपको ये NDT पढ़ा देता तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। फिफ्थ का बी सही है, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से कमेंट करिए। कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के नाम बताइए जल्दी से, कौन कौन से होते हैं। अब सेशन को सब लोग लाइक करिए जल्दी जल्दी, जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक्सरे, गामा रे, लिक्विड पेनिट्रेट, विपिन सिंह, अरे ये तो स्पेशल होते हैं। एक्सरे, गामा रे और लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट जो होते हैं, अब ठीक है 10 क्वेश्चन तक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको NDT बता देता हूँ, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बता देता हूँ, ओके। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करके हम लोग NDT पढ़ लेते हैं। ये माइक्रोग्राफी फ्लक्स कहाँ से आ गया भाई विपिन जी? ठीक है, हम तैयार हैं, बस आप सेलेक्ट हो जाइए, तैयार हैं हम लोग। तो फिर NDT शुरू करें या आप लोग MCQ पढ़ेंगे, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से बताइए, MCQ पढ़ेंगे या NDT? ठीक है, NDT देख लेते हैं। तो NDT में आपको सबसे पहले यही जानना है कि NDT की जरूरत होती क्यों है, या वेल टेस्टिंग की जरूरत क्यों होती है। तो आपको मैंने एक पेज लिख के रखा है, परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? भरोसेमंद संयुक्त यानी जोड़ प्राप्त करने के लिए वेल्डिंग से पहले और बाद में पर्याप्त नियंत्रण का निरीक्षण और व्यायाम करना आवश्यक है, ठीक है। सिंपली क्या है कि जो हम जॉब बना रहे हैं वो जॉब, उस पर जब हम उसको यूज करेंगे किसी भी चीज में,
तो उस पे जो हम लोड देंगे या उसका जो यूज है उसके लिए कितना अच्छा है, इस चीज को जानने के लिए हमें वेल्ड परीक्षण की जरूरत पड़ती है। सिंपल लाइन है और आप सभी लोग इस चीज को जानते होंगे, ठीक है, कि वेल्ड टेस्टिंग की जरूरत क्यों होती है। अगर कोई जॉब हम बनाते हैं उसमें कोई डिफेक्ट रह तो नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम उसको यूज करें और वो हमें हमारी हमें हमारे लिए अनसेफ हो जाए, यानी वो हमें टूट जाए या खराब हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है? तीन तरह की आपकी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है। पहली होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तीन तरह की टेस्टिंग होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, सेमी डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव जैसे नाम ही पता है, बिना तोड़े फोड़े अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव कह रहे हैं, अगर हम तोड़ के कर रहे हैं तो उसको डिस्ट्रक्टिव। और सेमी डिस्ट्रक्टिव का यूज बिल्कुल नहीं होता है, खाली दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो यस बोलिए जल्दी से कमेंट करके, और कोशिश करिए सेशन को एंड तक जुड़े रहने के लिए। जल्दी से कमेंट करिए, इतना समझ में आ गया समझ क्यों टेस्टिंग की जरूरत होती है और टेस्टिंग के प्रकार कितने होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इतने में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। साउंड फुल है, आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए ब्रजेश जी, बाकी साउंड मेरी तरफ से 100% है और ठीक है। अब जो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, सिंपल कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। विजुअल इंस्पेक्शन, लीक और कॉमन प्रेशर टेस्ट एंड स्टेथोस्कोपिक टेस्ट या साउंड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का टाइप होता है। अभी मैंने आपको जब MCQ में बता रहा था तो उसमें अभी ये क्वेश्चन आया था कि कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने होते हैं, तो वहाँ पे जवाब था तीन। कौन कौन से? विजुअल इंस्पेक्शन, लीक और प्रेशर टेस्ट, और तीसरा स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। जो हमारा विजुअल इंस्पेक्शन होता है उसको VI या VT से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विजुअल इंस्पेक्शन या विजुअल टेस्टिंग। ये सबसे आसान टेस्टिंग मेथड होता है किसी भी वेल्ड जॉब को टेस्ट करने के लिए, ओके। जो हमारा विजुअल इंस्पेक्शन होता है वो सबसे इजी होता है। ठीक है, चलिए। तो कितने तरीके का होता है हमारा कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? तीन तरीके का, विजुअल, लीक और प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है? ऐसा इंस्पेक्शन जिसको हम आँख से देखकर कर सकते हैं, यानी ऐसे डिफेक्ट जिनको हम आँख से देखकर अगर छू कर अगर हम देख लें, समझ जाएं कि और उस डिफेक्ट को जान जाए, तो उसको हम विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू करते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे आसान और सबसे कम खर्चीला कौन सा वेल्डिंग इंस्पेक्शन होता है? तो उसका सही जवाब होता है विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। अब विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं? हम लोग वेल्ड बीट को चेक कर सकते हैं, स्पैटर को चेक कर सकते हैं, मिसमैच को चेक कर सकते हैं, प्लेट मेल्टेड ऑफ को चेक कर सकते हैं, यानी ऐसे डिफेक्ट जो एक्सटर्नल डिफेक्ट होते हैं उनको हम विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और इंटरनल डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। लीक और प्रेशर टेस्ट, लीक और प्रेशर टेस्ट, देखिए आपको नाम से ही पता चलेगा लीक और प्रेशर टेस्ट में क्या होता है। ऐसे टेस्ट, ऐसे जॉब जहां पर लीकेज होने की संभावना होती है या जहां पे हम लोग प्रेशर यूज करते हैं, जैसे ऑयल का टैंक हो गया, ठीक है, या हम कोई भी ऐसी लिक्विड उसमें रखने वाले हैं और वो वेल्डिंग के थ्रू बना हुआ है, तो उसको हम लोग वेल्डिंग करने के बाद उसमें कौन सा करेंगे? लीक और प्रेशर टेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो जॉब होता है उसमें
लीकेज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल मान लीजिए हम पानी भर के रख देते हैं, ठीक है, पानी भर के रख दिए और हम रख दिया और उस पर हम लोग क्या करते हैं सोप वाटर से उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं पर लीकेज है कि नहीं है। और प्रेशर के केस में हम क्या करते हैं उसके अंदर एयर भर देते हैं और उसमें एक एयर का प्रेशर गेज लगा देते हैं, ठीक है। जब हम गेज लगाएंगे तो क्या होगा, उसको हम 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, कितना 12 आवर्स टू 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, उसको प्रेशर पर ही छोड़ देते हैं। तो जब हम उसको बाद में देखते हैं अगर प्रेशर डाउन हुआ इट मीन्स क्या है, उसमें लीकेज है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा है, तीसरा हमारा स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, तो सिंपल है, जो हमारा डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम लोग इस साउंड के द्वारा चेक करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम वेल्डिंग कर लेते हैं जॉब पे उस पे हैमर से एक चोट मारते हैं तो जो साउंड वेव होती हैं तो वो बहुत क्लियर सुनाई देती हैं, ठीक है, पर अगर जहाँ पे डिफेक्ट होता है वहाँ पर वो जो साउंड है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। साउंड क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इस जगह पर वहाँ पर डिफेक्ट है, ठीक है। तो कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट समझ में आया तो यस बोलिए जल्दी से, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, इतने में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। सभी लोग सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए जल्दी से, मजा आ रहा है तो यस बोलिए, और कोई डाउट है इतने में तो प्लीज़ आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। दूसरा टाइप क्या है, स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट, गामा रे टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ये पांच तरह के स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तीन होते हैं और स्पेशल कितने होते हैं, पांच। कौन कौन से, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट एंड गामा रे टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ठीक है। नाम क्लियर हो गए। एडवांस वेल्डिंग का क्लास कब होगा, बहुत कल या परसों में, आपको टेंशन फ्री रहिए, सारा क्लास मैं आपको करवाऊंगा, एडवांस का भी करवा दूंगा और जो भी जितना हो सकेगा 26 दिसंबर तक जितना हो सकेगा उतना मैं आपको मैक्सिमम कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ठीक है रोहित जी। ठीक है, तो स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने होते हैं, पांच होते हैं, मैग्नेटिक, लिक्विड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा एक्सरे टेस्टिंग और गामा रे टेस्टिंग दिया गया है। जो हमने गामा रे जो टेस्टिंग है इसका सिर्फ मैंने डायग्राम ही बनाया है, क्योंकि जो एक्सरे टेस्टिंग होता है और जो गामा रे होता है, अच्छा गामा रे जो होता है कोबाल्ट 16 से मिलता है, हमको 60 से मिलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कोबाल्ट 16, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये एक्सरे टेस्टिंग दिया गया है, ये हमारी एक्सरे मशीन दी गई है, यहाँ पे हमें जॉब रखा गया है, उसके बाद हमें फिल्म रखी गई है, ठीक है, और नीचे हमें लेड दी गई है, सीट ऑफ लेड, क्योंकि लेड को क्या होते हैं एक्स रेज जो होती हैं वो लेड को पार नहीं कर पाती हैं, ठीक है, एक्सरेज जो होती हैं वो लेड को पार नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह जब हम लोग एक्सरे उस पर डालते हैं अपने जॉब के ऊपर तो फिल्म पर उसका सा जो भी डिफेक्ट होता है वो वहाँ पे शो हो जाता है, दिखा देता है, और फिर हम वो लोग वहाँ पर रिवर्क करके उसको सही कर लेते हैं और हम अपना जॉब 100% कर लेते हैं। एक्सरे और गामा रे में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, एक्सरे का प्रयोग हम लोग कहाँ कैसे करते हैं, कहाँ तक, कितने एमएम, 50 mm तक जो थिक की सीट होती हैं उनको बहुत आसानी से, सिलेबस पर नहीं है एडवांस, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी जैसे समर जार्क वेल्डिंग आपका हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्लैग, इलेक्ट्रोग्रेस, EBW, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रविश जी, ठीक है, तो आप पढ़ के रखिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पढ़ के जरूर रखिए उसको, ठीक है। तो जो हमारी एक्सरे टेस्टिंग होती है वो 50 mm तक सक्सेसफुली अच्छे से की जाती है,
ठीक है। और गामा रे का सेम ही काम है, लेकिन इसकी जो पेनिट्रेशन क्षमता होती है इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो जो बहुत मोटे मोटे थिक सीट्स होते हैं उनको अगर आपको रेडियोग्राफिक टेस्ट करना है तो हम लोग गामा रे प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का डायग्राम देखिए आपको बनाया हुआ है। ये आपका जो टूल, ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मशीन होती है जो मैग्नेटिक लाइंस देने के लिए होती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक टेस्ट होते हैं वो सरफेस क्रैक के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट सरफेस क्रैक के लिए हम लोग यूज करते हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मेथड दिया गया है यहाँ पे, ये हम रख देते हैं दोनों के बीच में और हम लोग क्या करते हैं इसमें मैग्नेटिक फ्लूइड डालते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ पर दो पोल बन जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो वहाँ के जो मैग्नेटिक फ्लूइड होते हैं वो जमा होकर उस क्रैक को दिखा देते हैं। तो इस तरह हम लोग मैग्नेटिक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट। ठीक है, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट में क्या करते हैं, ये हमारा जॉब दिया गया है, ठीक। इस पे हम लोग डाई लगाकर इसको छोड़ देते हैं और इसमें कौन सा एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो ये आप पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट होता है LPT, या इसको डाई पेनिट्रेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन से क्या होता है, जो क्रैक होते हैं उसमें जाके वो डाई जो होती है वो क्या हो जाती है, जो पेनिट्रेट होता है वो जाके भर जाता है। उसके बाद हम उसकी क्या कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं और उस पर हम लोग चौक, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौक या इंडिकेटर जो हमारा होता है उसको जब हम लगा देते हैं तो सारा जो हमारा क्रैक होता है सरफेस क्रैक वो हमें दिखाई दे जाता है और हम लोग उस पर रिवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट में क्या होता है, जो हमारी साउंड जब हम उसमें गुजारते हैं तो जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ पर इको आ जाती है और उससे हम पता कर लेते हैं कि वहाँ पर क्रैक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साउंड वेव्स आई, यहाँ से सीधे निकल गए क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रैक नहीं था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रैक से टकरा के ये रिटर्न हो गई, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, दो साउंड सुनाई देंगी और उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्रैक दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना ही है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में इतना ही है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में इतना ही, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एडवांस वेल्डिंग की भी क्लास होगी, सारी क्लासेस होंगी, 26 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है और बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर करेंगे। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में कल बता दिया जाएगा। मोटा मोटी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक वर्कशॉप टेस्ट होता है और एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है। और MCQ करवाएं, ठीक है, MCQ करवा देते हैं। ठीक है, तो पांच टाइप का, तीन टाइप का हमारा होता है। हाँ पंकज जी, क्वेश्चन आपके चेक कर लूंगा मैं, निश्चिंत रहिए, आपको चेक करके फिर मैं आपको आज ही शाम तक हो सकेगा तो जवाब भी दे दूंगा उसके, ठीक है।
और इसके बाद आपका जो भाभा एटॉमिक रिसर्च का आया, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो भर दीजिएगा उसको, और उसकी तैयारी करते रहिएगा। और यूपी इंस्ट्रक्टर में भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। क्लास पढ़ना मत छोड़िएगा, जब तक आप लोग का सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है। तीन टाइप का होता है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा। विजुअल इंस्पेक्शन होता है, लीक और प्रेशर टेस्ट होता है, और स्टेथोस्कोपिक टेस्ट होता है। चलिए एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। कौन सा जो टेस्ट है वो विजुअल इंस्पेक्शन का टेस्ट, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन किसमें आता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव में, नॉन डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस टेस्ट। जल्दी से कमेंट करिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ कल और परसों, उसके बाद तो आप लोग जैसा डिसाइड करेंगे वैसा होगा, ठीक है। अगर आप लोग एटॉमिक रिसर्च के लिए टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा आगे, और अगर आप एमसीक्यू पढ़ना चाह रहे हैं तो और एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ के नेट से, बुक्स से, सब जगह से अच्छे अच्छे एमसीक्यू और ला के आपको मैं बताऊँगा। टॉपिक वाइज पढ़ना है या एमसीक्यू पढ़ना है वो आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा भाभा एटॉमिक के लिए। वैसे ही एक क्लास में हर मैं आपको क्लासेस लूंगा। सेवेंथ का सी, यस, देखिए यही है, अभी आपको बताया, आपके सारे क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे। सी इज राइट आंसर। रवीश कुमार, ए कैसे हो सकता है, विजुअल इंस्पेक्शन में साउंड यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है रोहित जी, टॉपिक वाइज बोल रहे हैं, टॉपिक वाइज बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए जल्दी से। यस, ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी स्टेटस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब। बिल्कुल ही सिंपल, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज ऑफ द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। बिफोर वेल्डिंग, सही बात है, रूट गैप हम बिफोर वेल्डिंग चेक करते हैं। एट्थ का ए सही है, नाइन्थ का टेंथ का बता दीजिए। तो बिफोर वेल्डिंग हम लोग रूट गैप को निर्धारित करते हैं कितना रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यस, नेक ब्रेक टेस्ट। नेक ब्रेक टेस्ट क्या आंसर होता है हमारा, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसके बाद जब मैं आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। कल मैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये एमसीक्यूज को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, यस बी सही है, बाकी का कल मैं आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ सकता है अभी तुरंत।
वहाँ पर आपको, हाँ आपका डिस्कशन ग्रुप भी टेलीग्राम ग्रुप पे बना है, तो आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.